टू डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और वन डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है लेकिन गिवन क्वांटिटी बदल गई, सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा है इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल थीटा साइन इनवर्स 1/3 होगा अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है, लेकिन गिवन क्वांटिटी बदल गई। गिवन क्वांटिटी क्या है, सरफेस एरिया। अब वो कह रहा है सरफेस एरिया गिवन है, अब कोन का अगर सरफेस एरिया गिवन है तो कौन सा सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया गिवन है, कर्व सरफेस एरिया जब गिवन होगा तो सी ए से लिखा होगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए सरफेस एरिया लिखते हैं, टोटल भी लिख सकते हैं। वो कह रहा है लेट, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोन का सरफेस एरिया गिवन है, तो अगर गिवन है तो दिया तो है नहीं, तो मैंने के मान लिया, ठीक है। लेट द गिवन सरफेस एरिया ऑफ कोन बी के कांस्टेंट। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन कौन सा लेना है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये हमें के दे रखा है, हमने एज्यूम कर लिया के पाई आर एल प्लस आर। अभी मैंने जगह छोड़ी हुई है ताकि इसमें और वैल्यूज हम निकाल सकें। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल, उस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब हो गया जो एंगल वर्टेक्स पे बन रहा है उसका हाफ, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 1/3, कौन सी कंडीशन में, जब कोन का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब इस कोन के लिए जो फंक्शन लेके चलेंगे हम वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें आर और एच को रिजोल्व करना है एक वेरिएबल के टर्म्स में, और यहां पर हम देख रहे हैं कि R और L आ रहा है, वहां पे R और H आ रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है, R H और R L, तो इसका मतलब हमें इनके अंदर से एक वैल्यू को हटाना पड़ेगा, तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। तो आप यहां से ऐसा कर सकते हैं कि L की वैल्यू निकाल के उसको L में कन्वर्ट कर लो, या फिर यहां से L की वैल्यू निकाल के पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, तो आप देखो क्या आएगा, L square is equal to R square minus R square plus H square, ठीक है। तो यहां पर हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें L और R है, देखो ध्यान से इसमें L R है। एक और बात देखो, ये जो ट्राइंगल है इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, थीटा इज इक्वल टू साइन वर्स 1/3, इसको साइन थीटा करो, तो साइन थीटा क्या होगा उस ट्राइंगल के अंदर, साइन थीटा क्या होगा उस ट्राइंगल के अंदर, R अपॉन L होगा। इसका मतलब मेरा फंक्शन R और L में होना चाहिए, H को एलिमिनेट करना चाहिए, किसको एलिमिनेट करना है, H को, तो H को एलिमिनेट करना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो H को एलिमिनेट करने के लिए H की वैल्यू रखनी पड़ेगी, H की वैल्यू रखेंगे हम यहां से, जो कि किसमें आ रही है, स्क्वायर में आ रही है ना, स्क्वायर में आ रही है, तो उस स्क्वायर को एलिमिनेट हटाने के लिए मैं स्क्वायर कर लेता हूं यहां पे। तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर 4H स्क्वायर। लेट मान लेते हैं कि वी स्क्वायर किसके बराबर है, कैपिटल A के बराबर है, ऐसा हमने किसी और क्वेश्चन में भी स्क्वायर किया है पहले, है ना, तो स्क्वायर करना मालूम है ना, हम रूट को अवॉइड करते हैं, रूट नहीं आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, आ जाए तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो वी स्क्वायर को हमने ए मान लिया, तो कैपिटल ए की वैल्यू होगी 1/9 स्क्वायर आर फोर, अब एच स्क्वायर की वैल्यू निकालो इसमें से, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस एच स्क्वायर की वैल्यू को इसमें रख दो, मतलब दो एलिमिनेशन हो रहे हैं इसमें, एक बार तो ये एच हटेगा, एक बार वहां से लेंगे वैल्यू, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप बताओ इस क्वेश्चन, जो हमारी गिवन क्वांटिटी थी, इसमें से R की वैल्यू इजीली निकल आएगी कि L की वैल्यू इजीली निकल आएगी, इसको देखो ध्यान से, इसमें R को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो R की वैल्यू निकालना मुश्किल है, इसमें से L की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि L एक जगह पर है, तो इसका मतलब L प्लस R इज इक्वल टू क्या हो गया, K अपॉन पाई आर, तो यहां से L की वैल्यू आसानी से निकल आई, L की वैल्यू क्या आ गई, K अपॉन पाई आर माइनस आर, इस L की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस L की वैल्यू को इसमें पुट करने से ये हमारा पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर, L की वैल्यू रख दो, L की वैल्यू क्या है, K अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कोई टर्म्स आती है तो उनसे डरना नहीं है, ठीक है, सॉल्व करते जाओ आएगा आंसर, बस प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करना, डिफरेंशिएशन आसान होते हैं, डेरिवेटिव इतने मुश्किल नहीं आते इसके अंदर, बस रूल्स को लगाना सही है। तो ये देखो फंक्शन हमारा आर में आ गया पूरा, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, आर में, इसको सॉल्व करेंगे, अब डिफरेंशिएटिंग करना डायरेक्ट, सॉल्व करो, तो कैपिटल ए क्या हो गया, 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर, अंदर सॉल्व करो पहले, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस आर फोर को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, चाहो तो पाई स्क्वायर को भी ले जाओ, ठीक है, ये आपकी चॉइस है कैसे करना, 1/9 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। तो कैपिटल ए की वैल्यू हो गई 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ, तो क्या बचेगा,
पाई स्क्वायर आर फोर को अंदर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, के स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आगे माइनस टू के पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये फंक्शन बना कैपिटल ए जो कि वी स्क्वायर के बराबर है। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, देख लो किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, आर के टर्म में करेंगे, डेरिवेटिव निकालना इजी है ना, तो ये हम इसको बचा रहे थे। कारण एक और है कि जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव निकालना आसान है इसका। अगर आपने रूट में रख दी वैल्यू, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, सेकंड टाइम में और दिक्कत हो जाएगी उसमें, क्योंकि वो फ्रैक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, डीए बाई डी आर, तो डीए बाई डी आर क्या हो गया, वन बाई नाइन के स्क्वायर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू के स्क्वायर आर माइनस, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, एट के पाई आर क्यूब, ठीक है, देख लो ध्यान से, फोर आर की बार फोर का फोर आर क्यूब हो गया और आर स्क्वायर का टू आर हो गया। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं कुछ, कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लो इसमें से, तो कॉमन क्या आ रहा है देखो, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू के आर, कॉमन ले लिया आपने इसमें से टू के आर, तो टू के आर कॉमन आएगा, तो नीचे नाइन बच रहा था, अब टू के आर निकालो इसके अंदर से क्या बचेगा, के माइनस, इसमें से टू के आर निकालेंगे तो फोर पाई आर स्क्वायर, सही है, टू के आर निकाल दो इसके अंदर से तो फोर पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, पुट डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये जाएगा टू के आर अपॉन नाइन ब्रैकेट के माइनस फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो आपको मालूम है यहां से टू के अपॉन नाइन तो कॉन्स्टेंट है, तो एक तो आर को जीरो होना है जो कि जीरो होगा नहीं, रेडियस तो जीरो हो नहीं सकता इसका, तो फोन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बात चल रही है मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम तो वैसे भी जीरो नहीं होना, एंड दूसरी कंडीशन है के माइनस फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहां से सॉल्व होने के बाद, रूट के अपॉन टू रूट पाई, बोलो है ना, ये आर की वैल्यू आ रही है सॉल्व होके, देखो रूट के अपॉन टू रूट पाई, ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट हमेशा गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में आता है, देखो इसमें गिवन क्वांटिटी क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्वांटिटी के है, तो क्रिटिकल पॉइंट के टर्म्स में आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में गिवन, जो भी गिवन क्वांटिटी उसके टर्म्स में आना है क्रिटिकल पॉइंट नहीं, ये पक्की बात है, ठीक है। लेकिन जो प्रूव करना है वो कुछ और है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से ही आएगी चीज। आर आ गया, अब क्या करना है हमें, डबल डिफरेंशिएट करना है, ये प्रूव करना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट जो है इस पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे हम इसका, यहां से इसका निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई नाइन टू के स्क्वायर, आर का वन हो गया, माइनस 24 के पाई आर स्क्वायर, देख लो ध्यान से, आर का वन हो गया और यहां आर क्यूब का थ्री आर स्क्वायर हो गया, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें आर की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू रूट के अपॉन टू रूट पाई, तो हो जाएगा वन बाई नाइन टू के स्क्वायर माइनस 24 के पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी, के अपॉन 4 पाई, इसको सॉल्व कर लो कितना हो गया, देखो ये 4 पाई से 24 पाई कट गया, कितनी बार गया, 6k square 2k square माइनस 4k square, क्या बचा, माइनस 4k square अपॉन 9, तो कैसा आंसर आ गया, नेगेटिव। तो दिस इंप्लाइज दैट डी टू ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज लेस देन 0 एट आर इज इक्वल टू रूट के अपॉन 2 रूट पाई, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल ए इज मैक्सिमम एट R इज इक्वल टू रूट के अपॉन टू रूट पाई, है ना। अब कैपिटल A क्या चीज थी, V स्क्वायर, अब यहां लिखेंगे कैपिटल A V स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, V स्क्वायर इज मैक्सिमम एट R इज इक्वल टू रूट के अपॉन टू रूट पाई, जब V स्क्वायर मैक्सिमम है तो V भी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब V इज मैक्सिमम एट R इज इक्वल टू रूट के अपॉन टू रूट पाई, तो यहां से वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो जाता है कौन का, इस R की वैल्यू पर। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना है साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, साइन थीटा निकालना। अब फिगर में देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन एल, आर की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू नहीं है, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कहां से आएगी, एल की वैल्यू कहां से आएगी, इससे भी आ जाए, इसमें इसमें प्रॉब्लम है, एच नहीं है आपके पास, हमें आर की हेल्प से एल निकालना है। हाँ, गिवन क्वांटिटी क्या थी, ये रही, यहां से आएगी, गिवन क्वांटिटी से आएगी, तो एल की वैल्यू ये रही, तो हम सबसे पहले एल की वैल्यू निकालेंगे इसमें। नाउ क्या निकालेंगे, एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू क्या है, देखो वहां पे एल की वैल्यू क्या है, के अपॉन पाई आर माइनस आर, तो एल की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन पाई। अब आर की वैल्यू क्या है, देखो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास,
रूट के अपॉन टू रूट पाई माइनस आर की वैल्यू क्या है, रूट के अपॉन टू रूट पाई। ठीक है, इसका चाहो तो एलसीएम ले सकते थे हम, एलसीएम लेके वैल्यू रख देते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, पहले एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। अब रखो वैल्यू, तो इसका मतलब एल की वैल्यू जाएगी के माइनस पाई। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के अपॉन फोर पाई, के अपॉन फोर पाई है अपॉन पाई। आर की वैल्यू क्या है, रूट के अपॉन टू रूट पाई। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ध्यान देना सब लोग, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां बचा के अपॉन फोर, के माइनस के अपॉन फोर क्या हो गया, थ्री के बाई फोर इंटू। अब देखो यहां क्या बचेगा, ये रूट पाई से रूट पाई पाई कैंसिल हो गया, ये टू ऊपर चला जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, रूट पाई और रूट के, टू से फोर कैंसिल हो गया, रूट के से के कट गया, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली एल की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू रूट के अपॉन रूट पाई। ठीक है, ये एल की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर, ये एल की वैल्यू चाहिए थी मुझे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल एओबी, इस एओबी ट्राइंगल में से साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा क्या है, आर अपॉन एल, आर अपॉन एल। तो देखो आर की वैल्यू क्या थी, तो यहां से हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या है, रूट के अपॉन टू रूट पाई इंटू एल की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो एल की वैल्यू क्या है, टू रूट पाई अपॉन थ्री रूट के। देखो क्या बचा, रूट पाई से ये सब क्या है? तो यहां से सॉल्व हो गया, आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, जिसमें कि हम बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या निकल आई, साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री। तो ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो नेचुरल सी बात है अच्छा ही होगा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप उसको फ्लो में करना है और ये सारे क्वेश्चन एक बार अपने हाथ से रफ कॉपी में कर लो प्रूव करने वाले। ठीक है।